हेलो जजीराम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोर स्टफ की एक और प्यारी सी वीडियो और हमारे GTA 5 के एक और शानदार गेम प्ले में। तो यार, जैसा कि आप सबको पता ही है कि फ्रैंकलिन अब यहाँ पे नहीं है, तो अब यार उसकी गाड़ी आ चुकी है। देखो, उसकी स्कॉर्पियो बहुत पहले बैनी के पास गई थी, तो रिपेयर हो गई थी, इसका इंजन का काम था, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उसके अलावा फ्रैंकलिन ने कुछ मॉडिफिकेशन के लिए बोल दिया था, तो वो मॉडिफिकेशन भी की बैनी ने, तो वो सब मॉडिफिकेशन बैनी ने करी। उसके बाद ये गाड़ी हमारे पास कल शाम को उसने पहुंचा दी है। कल शाम को ही फ़ोन आया था मेरे पास फ्रैंकलिन का कि भाई मेरी गाड़ी जो है वो कभी भी आ सकती है, बैनी ने फ़ोन किया है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तेरे मेंशन पे ही हूँ। तो अभी यार सीजे का कॉल आया था मुझे कि किसी काम से बुलाया उसने हमें, पता नहीं क्या काम है, लेकिन उसने बोला कि पैसे लेके आने कुछ। तो हमने पैसों का बैग ले लिया है यार, और ये पैसों का बैग भी सीजे का ही है। सीजे ने बोला था कि उसके अकाउंट से निकलवा के लेके आने हैं भाई, तो उसके बैंक से हम लोग निकलवा लाए थे, तो अब उसको ये पैसे थमा देंगे जाके। तो मैं लोकेशन लगा लेता हूँ यार उसके घर की, तो इसी रास्ते पे यार भाई, और गाड़ी बहुत ज़बरदस्त करवा दी यार फ्रैंकलिन ने। इसके अलॉयज आप लोग देख सकते हो, और मतलब बहुत ज़बरदस्त गाड़ी बना दी है भाई, कलर और मतलब हर चीज़ बढ़िया है। इंटीरियर का भी बहुत सारा काम किया है। तो हाँ यार, बैनी काम तो बहुत बढ़िया करता है, लेकिन सीजे ने यार मुझे पैसे के लिए क्यों बुलाया वो मेरे समझ में नहीं आया। बाकी सब तो ठीक है, इधर से चलते हैं भाई, इस रास्ते से उससे नहीं चलेंगे। तो अब देखते हैं यार भाई, मिलते हैं पहले उससे जाके कि उसने क्यों बुलाया हमें, क्योंकि उससे जाने के बाद ही, उसके पास जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि सीजे ने हमें क्यों बुलाया, और वो भी पैसे के साथ। तो एक बार पहुंचते हैं यार भाई सीजे के पास, जाने के बाद ही पता लगेगा। और फ्रैंकली ना बहुत लंबे टाइम तक अंडरग्राउंड रहेगा, तो उसका मेंशन भी हमारे पास है और उसकी गाड़ी भी। तो एक बार चलो मिलते हैं सीजे से, और यार हमें बैनी के गैराज पे वापस एक बार जाना पड़ेगा, क्योंकि इस कार की जो पेमेंट थी वो फ्रैंकलिन ने नहीं की है अभी तक, और अभी बैनी को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें ही पैसा देना पड़ेगा उसको ले जाके, क्योंकि फ्रैंकलिन तो अब लॉस एंटोस में आ नहीं सकता, उसे अंडरग्राउंड रहना होगा। क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया होगा यार पिछले एपिसोड्स में कि पुलिस ने उठा लिया था फ्रैंकलिन को। तो अब देखते हैं भाई, पहले पहुँच ही गए हम सीजे के पास, और सीजे भी यार बहुत जल्द लिबर्टी सिटी वापस जा रहा है। ये लॉस एंटोस में सिर्फ छोटे मोटे दो तीन काम। एक मिनट भाई साहब, यार सिक्योरिटी तो बहुत है आज, बहुत सिक्योरिटी भाई, मतलब एकदम जबरदस्त सिक्योरिटी भाई, सिक्योरिटी भाई साहब, ब्लैक हमर। और एक सेकंड यार भाई, ये कौन बंदा आया हुआ है, मतलब देख रहे हो आप सिक्योरिटी कितनी टाइट है यहाँ पे। चलो यार सीजे है यहाँ पे, तो उसने तो चलो ठीक है भाई, ये अपने खुद के बंदे खड़े कर रखे हैं, बेलास गैंग के ही मेंबर्स हैं ये, लेकिन ये कौन है भाई जो गाड़ियों के ऊपर खड़े हुए हैं, और एक दो तीन चार, चार गाड़ियां भाई, वो नहीं भाई पांच गाड़ियां है। ओके, तो भाई साहब बड़े खतरनाक लग रहे हैं यार ये, तो मतलब पूरी मिलिट्री फोर्स जैसे लग रहे हैं भाई बंदे। चलो एक बार अंदर चल के देखते हैं, हम मिलते हैं, पैसा थमाते हैं इनको। ओके भाई साहब, कितने बंदे, मानना पड़ेगा यार भाई बहुत ज्यादा बंदे हैं यार। तो मैं मिलता हूँ सीजे से। तो भाई साहब सीजे ने बोला कि यार बहुत अच्छा किया कि हम आ गए, हम सही टाइम पे आए। तो यार ये बुड्ढा कौन है भाई, एक सेकंड, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको कौन है। और ये है निको, ये भी लिबर्टी सिटी में ही रहता है भाई, और वहाँ पे वेपन्स का जितना भी डीलिंग का काम है यही बंदा संभालता है, और सीजे को लेने आया है ये।
सीजे जब तक यहाँ पे है तब तक ये यहीं पे रहेगा, और ये जो कमांडोज है ना, ये जो ब्लैक सूट में रखे हुए हैं, ये बंदे कमांडो है भाई, और ये इस बुड्ढे के साथ आया है, और इसका नाम है रोन। रोन नाम है इसका, रोनी बोलते हैं, सब लोग इसको रोनी के नाम से जानते हैं, रोनी। और ये एक बहुत बड़ा वेपन डीलर है यार, यानी कि आप ये समझो कि दो तीन कंट्री ऐसी हैं, लॉस सैंटोस, लिबर्टी सिटी, ये ऐसी सिटी है जहाँ पे क्राइम के लिए जितने भी वेपन्स यूज होते हैं, मिलिट्री के जितने भी वेपन्स यूज होते हैं, और यहाँ तक के कोप्स के जितने भी वेपन्स यूज होते हैं, उनमें से ज्यादातर वेपन्स यही बंदा सप्लाई करता है भाई, रोनी। तो यार लेकिन यार ये बहुत बुजुर्ग सा नहीं है, और सिक्योरिटी तो यार इतनी खतरनाक सिक्योरिटी लगा रखी है यार भाई इन लोगों ने। तो मैं बैग थमा देता हूँ सीजे को, और फिर चलते हैं हम लोग, क्योंकि अभी मेरे पास मैसेज आया फ्रैंकलिन का कि हमें बैनी के गैराज पे जाना पड़ेगा एक बार उससे मिलने के लिए। तो चलो एक बार चलते हैं वहां पे, पहले इसको बैग थमा देता हूँ मैं। तो भाई मैंने सीजे को बैग दे दिया है, और अब चलो चलते हैं भाई, बैनी से मिलते हैं जाके। और भाई साहब यार स्नाइपर्स, मतलब क्या खतरनाक स्नाइपर्स है भाई, एकदम जुलम खतरनाक है भाई साहब, बहुत खतरनाक है। तो चलो यार भाई चलते हैं। और यार सिक्योरिटी ना बहुत महंगी सिक्योरिटी थी यार इस बंदे की। चलो एक बार हम बैनी से भी मिल लेते हैं जाके, क्या काम है उसको क्या नहीं है। और वैसे भी यार यहाँ से बैनी का जो गैराज है वो बहुत नज़दीक पड़ता है, तो एक बार मिल ही लेते हैं भाई बैनी से जाके। चलो मिलते हैं, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड हाँ कमेंट में जरूर लिख के जाना राधे राधे।